आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। 2141 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रतिमा तैयार हुई। आदि शंकराचार्य की 12 वर्ष की उम्र वाली ये प्रतिमा बनाई गई है। 12 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य ओंकारेश्वर आए थे और आज इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आदि शंकराचार्य की ये भव्य मूर्ति, 12 वर्ष की उम्र वाली इस प्रतिमा का अनावरण ओंकारेश्वर में किया गया। पर हुई चर्चा के बीच बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे के बोलने पर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया और उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए उसे महिलाओं की चिंता पर नसीहत दे दी। क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? इससे पहले लोकसभा में इस बिल पर बीजेपी की तरफ से किसी महिला सांसद के न बोलने पर विपक्ष ने हंगामा किया। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बिल में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने जाति जनगणना जल्द से जल्द करवाने की भी मांग की और ओबीसी कोटे के बिना महिलाओं के लिए आरक्षण वाले इस बिल को अधूरा बताया। आई वुड लाइक टू हैव सीन ओबीसी रिजर्वेशन इंक्लूडेड इन दिस बिल। इस दौरान राहुल गांधी ने परिसीमन और जनगणना के बिना ही इस बिल को जल्द लागू करने की मांग की। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति बंधन विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसका ऐलान किया। ऐलान करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन में अलग अलग दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके ये तय किया गया है कि संविधान विधेयक 2023 पर राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में आज करीब 7.5 घंटे बिल पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम सरकार की ओर से प्रमुख वक्ताओं की सूची में है, तो कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले सांसदों में रंजीत रंजन, रजनी पाटिल, फूलो देवी नेताम, अमीबेन याग्निक और केसी वेणुगोपाल हैं। और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। महिला आरक्षण बिल नई संसद के लोकसभा में पास हुआ है, पास होने वाला पहला बिल भी है। बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा, इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। ये आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी ये राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।